तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है एलियन मोड, तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा गाइज, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर उस लिंक पे क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो गाइज। तो गाइज ये देखते हैं चैलेंज कहाँ से शुरू होता है। तो भाई ये हमारे सीधे घर से चैलेंज होता है ये शुरू, तो वहाँ पर हमको टॉप पे जाना है गाइज। तो यहाँ पे मेरी बाइक है KTM, चलो लेके निकलते हैं। तो गाइज अगर आपको इस KTM का चिट कोड पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि न्यू वाली KTM है जो अभी आई है, तो इसका चिट कोड आप कमेंट ज़रूर करना। तो एक मिनट, यहाँ से ऊपर चढ़ा देते हैं। नहीं 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 नहीं, नीचे आजा भाई, आ गया। मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दी मैंने भाई, मुझे इसे परफेक्ट लेना पड़ेगा, दीवार पे चलाना पड़ेगा। अरे नहीं 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 भाई, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, तो अभी चलते हैं दीवार पे। तो कभी कभी गाइज अपनी मिसलीडिंग हो जाती है गाइज, तो ये पंखों को भी मैं आसानी से पार कर देता गाइज, यहाँ से भी इजीली निकल जाते गाइज, डायरेक्ट यहाँ पर आते हम। तो चलो चेक पॉइंट को लेते हैं गाइज, तो यहाँ से हमको राइट साइड में जाता है ना है बढ़िया, तो यहाँ से हमको जंप लगाना है गाइज। तो आगे कुछ है तो चलो, यहाँ पे आगे सरफेस है, मुझे लगा जंप लगाना है गाइज। तो चलो चेक पॉइंट को लेते हैं, तो यहाँ पे चल रहे गाइज पंखे, पंखे हैं तो कोई डर की बात है नहीं गाइज, आपको तो पता ही होगा पंखे से आप इजीली निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ गोल गोल सा रख रखा है गाइज, इसके ऊपर चढ़ाकर ही जाऊँगा, ये नहीं जा रहा है गाइज। चलो तो यहाँ से जाना अपने को लेफ्ट में थोड़ा सा, तो ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी क्लोज में है गाइज, नीचे जाने से पहले मुझे काफ़ी क्लोज में जाना है। ओके भाई आ गया, डर ही लग रहा था। हाँ से मुझे थोड़ा सा राइट में जाना है गाइज, और उसके बाद सीधे स्ट्रेट और फिर राइट, तो लेफ्ट लेकर हम जा पाएंगे अपने इजीली। चलो बढ़िया, तो यहाँ पे हमको जंप लगाना है गाइज, और सामने देख रहे हो प्लेटफॉर्म, वहीं पे है अपना UFO एलियन। चलो चलते हैं। अबे वेट, ये क्या है, ये क्या था यार, इतना पूरा फिर से पार करना पड़ेगा। ओ सेट यार, फिर से पूरा पार करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, यहाँ से हम लोग स्लोली जाएंगे। भाई ये ऑटोमेटिक राइट साइड में क्यों जा रही है मुझे नहीं पता। देखो भाई ये KTM की दिक्कत है या गेम की, ये देखो फिर से राइट साइड में जा रही है। यहाँ पे हम लोग सेफ आ चुके हैं गाइस, यहाँ से हम लोग को जाना है थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे UFO टेलीपोर्ट होकर अंदर से निकल कर ही आएगा। तो चलो देखते हैं गाइस कहाँ से कैसे निकलता है UFO। तो भाई आप देख सकते हो ये नीचे से पूरा का पूरा निकल कर आ गया है UFO, तो मतलब आज एलियन बनकर ही रहेंगे प्रॉपर। तो देख सकते हो तो कितना बड़ा है वैसे। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही गाइस, UFO मुझे मिल गया गाइस, इसका काम क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, करना क्या है। तो समझ में आ गया गाइस, हम यहाँ पे UFO के अंदर बैठ चुके हैं, हम ही UFO बन चुके हैं ये भी कह सकते हैं गाइस। तो ये जा रहा है गाइस, मुझे शायद से लग रहा है जुरासिक पार्क के अंदर। एक मिनट, हाँ हाँ ये डायरेक्ट जुरासिक पार्क के अंदर ही जा रहा है, और वहाँ पे जो एग है ना, शायद से उसको तोड़ने का काम यही UFO करेगा गाइज। लेट्स सी ब्रो, देखते हैं। ये देखो गाइज ये सीधा एग के ऊपर ही आ गया है। ओके मुझे जैसा लग रहा है सेम वैसा ही हो रहा है गाइज। तो एंड देख सकते हो गाइज यहाँ पे ये अपनी पूरा पावर देना शुरू कर दिया गाइज, अब देख सकते हो अभी ये ब्रेक कर देगा पूरे एग को, और उसके अंदर से निकलेगा वो वाला एलियन। तो गाइज ये एग छोटा हो रहा है भाई, ये कितना छोटा हो रहा है, और इसके अंदर से ये निकल चुका है एलियन। ओके ब्रो, तो फाइनली हमको मिल चुका है वो एलियन, आप देख सकते हो। तो अभी हम एलियन कैसे बनेंगे गाइज, इसके पास में जाने, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना गाइज। ओके भाई, डायरेक्ट हम लोग अपने घर में स्पॉन हो चुके हैं, और हम लोग सीधे फ्रैंकलिन से एलियन बन चुके हैं गाइज, आप देख सकते हो। इसको कुछ खाने का नहीं मिलता गाइज, इसीलिए ये पूरा कुपोषित का शिकार हो चुका है, और इसके आंखों में देखो गाइज ये डार्क सर्कल हो चुका है भाई, डार्क सर्कल ही नहीं पूरा ये डार्क हो चुका है भाई। वे लेयर, चलो अच्छा है। तो इसके पास ना भाई सुपर पावर भी है, तो चलो चेक करके देखते हैं कि इसके पास क्या क्या पावर है। तो यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे दो लोगों का एक्सीडेंट हो रखा है, और यहाँ पे आपस में दोनों झगड़ रहे हैं। रुको मैं इनका सॉल्यूशन करता हूँ। भाई एलियन के रहते हुए तुम लोग झगड़ कैसे सकते हो, मेरे रहते हुए तुम लोग यहाँ पे आपस में झगड़ा कर रहे हो। रुको तुम्हें अभी दिखाता हूँ अपनी पावर। तो भाई मेरे पास पावर है, ये टैक्सी ऊपर उड़ा देगी, ऐसे ही शायद मेरे पास कुछ पावर्स है, इसको ट्राई करके देखते हैं।
तो भाई यहाँ पे एलियन कुछ जादू कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है गाइज, लेट्स गो। तो ये लगाई पावर और भाई यहाँ पे ये देखो दोनों कार ऊपर हो गई भाई, हो भाई साहब। और भाई दोनों गाड़ी को इधर साइड में फेंक दिया एलियन और हंस अलग से रहे। भाई ये बहुत ही खतरनाक पावर है भाई, ऐसी पावर तो अपने नॉर्मल फ्रैंकलिन के अंदर होती तो भाई कितना मस्त हो जाता गेम। भाई ये गाड़ी वाला आ गया यार, भाई ये लात क्यों मार रहा भाई, ओ भाई साहब ये कितनी खतरनाक लात मारी भाई, गाड़ी दिख ही नहीं रही है। सिर्फ एक लात मारी और गाड़ी भाई साहब उस बिल्डिंग के पास में जा गई। देख रहे हो पावर फिर से इस गाड़ी को ऊपर उड़ा दिया भाई और एक ही दहाड़ में, और फेंक दिया सेम उसके ही जैसे। ओ भाई साहब ये एलियन तो तगड़ा है भाई साहब, और इसका साइज देखो कितना छोटा है ना, अपने फ्रैंकलिन के आधा भी है, आधा भी नहीं है साल। लेकिन इसके अंदर भाई पावर्स बहुत ही खतरनाक ही खतरनाक है भाई, बहुत ही खतरनाक मस्त चीज है भाई। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, यहाँ पे धीरे धीरे तूफानी करने चलते हैं गाइस पुलिस स्टेशन के अंदर। अभी ये लोग हम लोग को देख के डर जाएंगे गाइस। मेरे को एक दिक्कत है गाइस, पता नहीं ये पुलिस वाले मुझे जेल के अंदर डाल दे, कहीं कोई लैब में ही ना डाल दे भाई, बस यही दिक्कत है गाइस। ये देखो मेरे सामने पुलिस वाले और इनके पास चलते हैं गाइस, और इनके पास चलते भाई और इनको डराते हैं। तो भाई डराते नहीं है, अपने पास जो पावर है ना उसका यूज करते हैं और इस पुलिस स्टेशन को ही ऊपर उड़ा। तो लेट्स गो। तो ओके गाइस, मैंने वो सेम पावर यूज कर ली यहाँ पर जिससे वो कार उड़ी। तो देखते हैं भाई ये पुलिस स्टेशन उड़ पाता है। ओ भाई वे हो भाई साहब, भाई इतना बड़ा पुलिस स्टेशन को उड़ा के हवे में और फेंक दिया भाई, ये दिख भी नहीं रहा भाई, ये तो खतरनाक एलियन निकला यार। और देख रहे हो हंस कैसे रहा है, अभी तक तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो एलियन बहुत ज्यादा पावर्स यूज कर लिया था गाइज, अब हो चुका था वो नेक्स्ट लेवल का बहुत ही बड़ा। इसके बाद वो हो चुका था आउट ऑफ कंट्रोल, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था गाइज लिटरली। और वो जाता है फ्रैंकलिन के घर पर गाइज, और फ्रैंकलिन के घर को वो उठा लेता है भाई। भाई मेरे को नहीं पता ये कैसे हो रहा है, ये एलियन ऑटोमेटिक फ्रैंकलिन के घर को ऊपर उठा लिया भाई, और लेकिन पता नहीं कहाँ पे ले जाना चाहता है गाइज, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। अबे रुक जा भाई, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे यार, अरे भाई सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। और ये सीधे फ्रैंकलिन के घर को उठा लिया गाइज, और ये समुद्र की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि ये फ्रैंकलिन के घर को समुद्र के अंदर फेंक देगा। भाई जो कुछ भी हो हमने गड़बड़ तो कर दिया गाइस, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, हम लोग देखते हैं। और जिसका डरता ना भाई वही हुआ, ये फ्रैंकलिन के घर को उठाकर ले जाता है समुद्र की तरफ, और समुद्र में फ्रैंकलिन के घर को फेंक देता है।